गुड मॉर्निंग गाइस, सो ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आज के व्लॉग में बेसिकली मैं आपको अपना डेली रूटीन बताऊंगी कि मेरा डे कैसे निकलता है। मैं कॉलेज के लिए हो चुकी थी और अब मैं जा रही हूँ। ओके सो गाइस, ये रही हमारी क्लास। सर पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, फिर बीटेक में कम ही पढ़ते हैं। ये फ़ोन चलाया जा रहा है। इन दोनों की शक्ल याद रखना, आपको दिखती रहेगी थोड़े थोड़े टाइम बाद। हो गए गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको ब्रेक में। देख लो हमारी क्लास के बच्चे। उसकी भाई अभी छुट्टी है गाइस। तो हमारा कैफेटेरिया एरिया, यहाँ पे हम बैठ के लंच कर रहे होते हैं। देखो सुजल, देखो दो ये भी नमूने हैं। अरे अरे, शक्ल की छुपा रहे हो, दिखा तो दो। क्या बोला तू? एक गंद में के साथ ना चले आओ। देखो गाइस, इन्होंने गंद डाला। कैप्चर हो गया अब तो सुजल बाबा। दिख रहा है हमारे कॉलेज का व्यू आप लोगों को? यहीं पे रुलता होता है हम रोज, है ना गाइस? क्या बात बताएं आपको, नहीं बता गाइस। आज आपको कॉलेज का OTT दिखाते हैं, आउटफिट ऑफ द डे। गलत बोल दिया मैंने, क्या होता है आउटफिट ऑफ द डे? पता नहीं यार, छोड़ो, मेरे दिमाग से तो पा रहे ये चीज़ दिखाते हैं आपको। अभी टक्कर हो जाती मेरी, हट जा, कैमरा सीधा पड़ ले, है ना गाइस? थोड़ी देर में आपको अपडेट देती हूँ मार्च को। गाइस जो लड़का देख रहा हो व्हाइट शर्ट वाला, ये इसकी आंखें देखो, नेचुरल बिल्ली हैं। और ये लड़का ना सिंगल है, इसने अगर किसी भी लड़की को इंटरेस्ट हो ना, कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझे इससे भी। अगर किसी को इसमें कोई ना करे हो, क्यों अभी मैं ब्लॉक मार दूंगा। क्या मार देगा ब्लॉक बता है? यार इतनी तेरी फॉलोइंग नहीं है जिन्हें मैं ब्लॉक मारे हुए। चल रहा फॉलोअर्स हट। और बताओ वो पेपर हूं किधर रहूंगा गाइस? निशाना सामने है, देखते बचता कि नहीं बचता। क्रैश हो गया गाइस, वो इतना कट गया इंजीनियर। एनु जी सीओ तो बेदखल करे आ जावे यार, इतना कट गया इंजीनियर नहीं बनता कोई होना चाहिए। बाकी का ठीक है, क्या बंदे तो जहाज भी नहीं बने, इन्हें क्या भविष्य बनाना अपना भविष्य। भविष्य की बात नहीं, कभी कभी बंदे के साथ हो जाता है। आप देख रहे हो असली में शॉर्ट लग रहा, समझ रही? कुछ नहीं लग रहा, ये अच्छी बात है ना। ना भी नहीं बचिया, ओ लाख की लाड़ तो है मेरे मेरे वाला उड़ूंगा। बात ही नहीं करनी मुझे तो, ना कर, मैं तो बैठा ना गया उधर। हां तू चल, फिर दस अंदर उड़ा, तू देखते हैं इसको उड़ता हंग तो तेरे जाद टूटे पे। देख जा ओए जा, लगाओ, चलो चले, क्लास का टाइम हो गया। बाय गाइस, मीट यू आफ्टर द क्लास। कॉलेज से मैं आ चुकी हूँ, अब आए हैं जरा हम, थोड़ा सामान ले रहे, दूध वगैरह, फिर सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा आराम करे, कल मेरा MST भी पड़ा, अभी कुछ नहीं, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस सामान हमने ले लिया है, एज ऑलवेज मेरे जूते के लेसेस खोले हुए हैं, फुल थक के खाते हैं हम जा रहे हैं वापस। ये मेरे को सबसे बुरा पार्ट लगता है जब तुर के इतनी देर दूर जाना पड़ता है, बट क्या करें, इस दिन मैं पक्का गिरूंगी इसकी वजह से। और मेरे को बांधने भी नहीं आते, सो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। पता है गाइस, लोग मेरे को देख के जा रहे हैं, लड़की फोन पे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट कोई बात नहीं, एक पीछे सूरज बहुत चमक रहा है। यार मुझे ना पिछले ब्लॉग में ना बहुत जन नई चीज़ बोली कि या तो तुम हिंदी बोलो या तो तुम पंजाबी बोलो, एंड मेरे ना दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। या तो मैं ये होंगे ही नहीं कि मैं कल हिंदी बोल सकूँ या पंजाबी, बट ठीक भी है यार, जिन्होंने लोगों को पंजाबी नहीं आती उन्होंने थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ आ जाती, तो जिन्होंने हिंदी नहीं आती थोड़ा पंजाबी समझ लेंगे, बाकी हम क्या ही कर सकते। मैं तो एवं ही बोलती हूँ, एकदम तो कुछ चेंज होने भी नहीं लगा, है ना? दसो
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਈਏ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਉਸ 'ਚ ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਈਸ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਸਮ ਸੇ ਅਬ ਉਸਕੋ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਊਂਗੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਾਈਸ ਸੋ ਇਹ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਡੇ 2 ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਮ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਤੋ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 1 ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ ਕੁਛ ਆਪਕੋ ਅੱਜ ਕਾ ਆਊਟਫਿਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਪਹਿਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਲੈਟਸ ਚੇਂਜ ਇਟ ਬਾਕੀ ਆਪਕੋ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ गाइस कॉलेज पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है अब एग्ज़ाम 1 घंटे बाद अब देखते प्रिपेयर करते हैं कुछ भी बाकी आपको मैं थोड़ा बहुत कॉलेज का टूर दिखाती हूँ ओके मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती मार्च है मार्च में इतनी धूप और इतनी गर्मी है जून में क्या होगा हमारा काले हो जाएंगे पूरे गाइस आबादी देख रहे हो यहाँ की मेरे को तो ऐसा लगता है सारी दुनिया के बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं अब मैं जो कोर्स कर रही हूँ उसमें 6 to 7,000 बच्चे हैं तो बेचारों किसकी प्लेसमेंट लगेगी किसकी नहीं लगेगी यार चलो छोड़ो वापस चलते हैं भीड़ देखो तुम तो मैंने एक चीज़ बता तो मैं ना अभी आ रही थी वापस रूम पे तो ना मेरे को ना कॉलेज के गेट के बाहर ना जैसे मैं निकली वहाँ पर एक लड़का खड़ा था वाइट शर्ट वाला तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने सीधे निकल गई वो मेरे पास आया कहता आपका नाम क्या है दोनों मैं ऐसा ऐसे डर गई मैंने कहा पता नहीं क्यों नाम पूछना है फलाना ढमकाना फिर ना उसके बाद वो मेरे पीछे पीछे आया मैं आगे चली गई तो वहाँ पर आके कहता आप कौन सी डिपार्टमेंट से आपका आई डी क्या है इंस्टा की तो ना जब मेरे से ऐसे कोई लड़का के बात करता है ना कि आपकी इंस्टा की आई डी क्या है या आपका नाम क्या पता नहीं कि मुझे इतना डर सा लगने लग जाता है मेरे ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है मेरे ना दिमाग में उस टाइम ये चीज़ आती है कि अगर कोई लड़का रैंडम किसी रैंडम लड़की को ये चीज़ पूछ रहा है कि तुम्हारी आईडी क्या है तुम्हारा नाम क्या है मुझे भी पता है किस इंटेंशन से वो आईडी पूछ रहा है क्यों उसको बात करनी है तो मेरे को ऐसा होता है कि डेली कितनी लड़कियाँ मिलती होंगी कितनों की वो आईडी लेता होगा कितनों से वो बात करता होगा यार कोई होता है जो सिर्फ आपके लिए आया आपके पीछे होता है ऐसे जो रैंडम मिलते हैं वो तो पता नहीं कितने के पीछे होते होंगे तो मैं तो भाग गई वहाँ से मन के यार मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा मैं निकल गई पता नहीं क्यों मेरे को डर लगने लग जाता है इस चीज़ पे पता नहीं आज क्यों सभी ऐसे घूरी जा रहे थे मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था पता नहीं क्या हुआ पड़ा था पर कोई बात नहीं गाइस अब ना 2 दिन का व्लॉग ना मैं इकट्ठा डालूंगी बिकॉज 1 दिन का ना मेरे पास इतना कंटेंट था नहीं कल भी 5 मिनट का ही बना था तो इसलिए मैंने डाला नहीं है मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ तो आई थिंक मैं 2-2 दिन का इकट्ठा डाला करूँगी व्लॉग क्योंकि वही 10 मिनट का तो करना ही है व्लॉग तो रो धो के ही होगा वो क्योंकि इतना कुछ होता भी नहीं है डेली कॉलेज आओ रील्स बना लो घर आओ जो बस यही चीज़ होती है आई होप यू गाइस सपोर्ट मी और धीरे धीरे सारी जो जो यू नो गलतियाँ हुई हैं कुछ भी है वो सब इम्प्रूव करना चाहती हूँ मैं सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अब से 2 दिन के अंदर अंदर डेली 1 व्लॉग डला करेगा थैंक यू